हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं आज का राशिफल, यानी कि 1 जुलाई 2024 का ये दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, आज नवग्रह आपको क्या रिजल्ट देने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं ग्रह स्थितियों को। तो सूर्य आज मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, चंद्रमा मेष में गोचर करेंगे। सुबह 6:25 तक ये अश्विनी नक्षत्र यानी कि केतु के नक्षत्र में गोचर करेंगे और उसके बाद भरणी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे। मंगल की बात करें तो ये अपनी ही राशि मेष में गोचर कर रहे हैं और बुध मिथुन में, बृहस्पति वृषभ में और शुक्र जो कि धन को देने वाले कहलाते हैं और इस दुनिया में, इस संसार में जो भी आप देख रहे हैं वो सब देने वाले शुक्र महाराज मिथुन में ही गोचर कर, और शनि कुंभ में ही, राहु मीन में और केतु कन्या में गोचर कर रहे हैं। तो ये ग्रह स्थितियाँ हैं, तो इनका क्या प्रभाव आपको मिलने वाला है, क्योंकि देखा जाए तो चंद्रमा आज आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। तो आज का दिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसे योग संयोग बनेंगे कि अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, अचानक कहीं ना कहीं से धन लाभ हो सकता है। आपने सोचा नहीं था, समझा नहीं था कि आज ऐसा हो जाएगा, लग रहा था कि नहीं आज ये हो नहीं पाएगा, परंतु अचानक हो गया। आज कई सारे काम अचानक बनेंगे, विशेषकर धन लाभ की स्थिति अचानक बन सकती है। और जो लोग जुआ, लॉटरी, सट्टा इन सब चीज़ों में विश्वास रखते हैं तो अचानक आज आपको सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट में भी आज लाभ हो सकता है, जैसे कोई शेयर मार्केट में है, अन्यत्र है, तो अचानक लाभ हो सकता है। परंतु यहाँ पर निर्णय लेना थोड़ा सा ये होगा कि जैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या और भी ऐसी कई जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, तो वह इन्वेस्ट करते समय अपनी जन्म कुंडली को पहले चेक किया करिए कि जन्म कुंडली में क्या स्थितियाँ हैं ग्रहों की, उसके बाद निर्णय लीजिए। क्योंकि देखिए क्या होता है कि अब जैसे गोचर का प्रभाव सुन रहे हैं, अब मैं यहाँ पर उदाहरण दे दूँ कि अब जैसे इस समय शनिदेव वक्री अवस्था में है, तो हर एक ग्रह का अपना अपना प्रभाव है। यहाँ पर जो आप दैनिक राशिफल देखते हैं ना, तो इसमें मुख्य रूप से कौन सा ग्रह काम करता है, चंद्रमा, और भी कई चीज़ें होती हैं, कई स्थितियाँ देखनी होती हैं, परंतु विशेष रूप से चंद्रमा को देखा जाता है। तो हर एक व्यक्ति की अपनी जन्म कुंडली है, हर एक व्यक्ति की अपनी जन्म कुंडली में ग्रह स्थितियाँ हैं, तो उन्हें भी देखना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए बहुत श्रेष्ठ समय है। विद्यार्थियों के लिए आज कहना चाहिए कि ऐसी स्थितियाँ हैं कि आप झंडा गाड़ सकते हैं। दाम्पत्यों के लिए भी देखा जाए तो दाम्पत्यों के लिए स्थितियाँ ठीक हैं, कोई विशेष समस्या नहीं देखी जा रही, परंतु हाँ थोड़ा सा अंदर ही अंदर कुछ बातें चल सकती हैं, तो ठीक है, आप आपस में सुलझ सकते हैं। वैसे बाहर तो कोई बातें आज आने की स्थितियाँ नहीं दिख रही दे रही, परंतु अंदर ही ये बातें तो समझ लें यदि कि आज ही क्या भाई चल रहा है, आगे जो तूफान आने वाला है आज ही हम उसकी तैयारी कर लें तो अच्छा है, बच सकेंगे। तो दाम्पत्य जीवन की स्थितियाँ ठीक हैं, बस आगे आज कोई बात ऐसी ना हो कि उसका प्रभाव आगे देखने को मिले, समस्याएं देखने को मिले। और व्यापारियों के लिए स्थितियां बहुत बढ़िया हैं, धन लाभ देने वाली हैं। व्यापारियों के लिए कहीं ना कहीं कुछ नई योजनाएं आपके नई कह सकते हैं आइडिया आ सकती है कि ऐसा किया जाए, ये कुछ ये बदलाव किया जाए, ऐसा कुछ कर दिया जाए, तो जिससे कुछ लाभ मिले, ऐसी स्थितियाँ अचानक कुछ दिमाग में आ सकता है। और आज का दिन कहा जाए कि एक ऐसा दिन है जो समस्याएं चल रही हैं उनसे कैसे बाहर निकला जाए उसकी पूरी प्लानिंग आप कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो, चाहे स्वास्थ्य की बात करें या किसी की स्वास्थ्य की बात करें, तो आज स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी स्थितियां अच्छी हैं। हाँ ये ज़रूर है थोड़ा सा मौसम की जो है तो प्रभाव, मौसम का प्रभाव हो सकता है, तो थोड़ा लगे कि हाँ आज थोड़ी थकावट है और कुछ लग रहा है कि गर्म चीज़ पी लिया जाए, खा लिया जाए, तो थोड़ा ताजगी आ जाए, मतलब थोड़ा सा मौसम का प्रभाव, क्योंकि अभी बदलाव हो रहा है तो प्रभाव थोड़े दिख सकता है, बाकी स्वास्थ्य स्थितियाँ सामान्य ठीक कही जाएंगी। तो देखा जाए तो आज के दिन काफ़ी बेहतर है धन वालों के लिए।
बस जो मैंने कहा कि ये थोड़ा आलसपन जो हो सकता है स्वास्थ्य में, इससे थोड़ा बचिए। यानी कि आप जो आपके, अब ऐसा नहीं हर एक व्यक्ति का अपना नियम है, कोई जल्दी सोता है, कोई जल्दी उठता है, कोई लेट सोता है, कोई लेट उठता है, तो हर एक व्यक्ति की। पर आज यदि कोशिश करें कि समय से सोइए, समय से उठिए, ये बहुत बड़ा कहना चाहिए कि प्लस पॉइंट आपके लिए हो जाएगा। और जब आप सुबह उठेंगे तो थोड़ा योग प्राणायाम कर लीजिए, है ना, और गर्म पानी पी लीजिए, तो थोड़ा ताजगी रहेगी, तो फिर ठीक रहेगा। क्योंकि कई बार जब हमारा मन जो है तो स्थिर नहीं रहता, थोड़ा सा दिमाग में लगता है कि थकावट है, तो सब कुछ होते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाते। बस इतनी सी बात एक ध्यान में रखनी है, बाकी आज का दिन काफ़ी बेहतर है आपके लिए। तो आप आज आराधना की बात करें, उपाय की बात करें, तो उपाय के रूप में आप भगवान विष्णु के अवतार वामन भगवान की आराधना कर सकते हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा आपके जीवन में बदलाव होगा, आपके जीवन में लाभ मिलेगा। कमेंट में जय वामन भगवान लिख सकते हैं, लिखने के साथ स्मरण भी करिए और अपनी कुंडली अवश्य चेक करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।